हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसीज 2022 जो कि रिसेंटली अभी आने वाली हैं, उसमें जो अभी 5,000+ पद जोड़े गए हैं, वो जिलेवार और संभाग वाइज कितने कितने पद अलॉट किए गए हैं और टोटल संख्या कितनी हो गई है पटवारी पदों की इनको जोड़ने के बाद, और मैक्सिमम पोस्ट मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आपके सबसे ज़्यादा पटवारी के पद सृजित हुए हैं, तो वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम बात की जाती है छिंदवाड़ा में, सब छिंदवाड़ा, इसके बाद रीवा, रीवा की बात की जाए तो टोटल पद जो हो गए हैं वो आपको 867 पद यहाँ पे टोटल हो गए हैं। तो हम यहाँ पे टोटल डिस्कस करेंगे जिलेवार, कि जिलेवार कितने पद यहाँ पे मध्य प्रदेश पटवारी के, मध्य प्रदेश में पटवारियों के हो गए हैं। तो यहाँ पे, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा मध्य प्रदेश पटवारी वैकेंसी से रिलेटेड तो आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ये कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें देखिए 2016 के पहले की बात की जाए, टोटल वैकेंसीज जो थी, टोटल पद जो थे पटवारी के, वो आपके 11,622 यहाँ पे टोटल स्वीकृत पद थे, जिनको कि 11,622 यहाँ पे टोटल स्वीकृत पद थे। इसके बाद 2016 के बाद जो 2018 में भर्ती हुई थी, उसमें 7,398 पद यहाँ पे जोड़े गए थे, 7,398 पद यहाँ पे जोड़े गए थे। इस प्रकार कुल स्वीकृत पद जो हो गए थे वो आपके 19,020 यहाँ पे टोटल स्वीकृत पद हो गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल ने नया नोटिफिक 14/6/2018 एवं मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 13/2/1986 दिनांक 9/5/2018 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 143 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था। तो यहाँ पर टोटल 143 ये हो गए थे। तो इस प्रकार टोटल पदों की संख्या जो हो गई थी वो यहाँ पे टोटल जो थे वो आपको 19,020 के अलावा 143 जो थे वो आपके विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए यहाँ पे सृजन किया गया था। इसके बाद जो 25 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल ने पटवारियों के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 5,204 नवीन पदों को सृजित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। 5,204 नवीन पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं, जिससे कि अब इस समय जो टोटल पद हो गए हैं वो इस समय जो हो गए हैं 19,020+5,205 5,204 इन्हीं पदों पर जो है यहाँ पे वैकेंसीज जो है मध्य प्रदेश पटवारी 2022 की यहाँ पे होनी है। तो यहाँ पे टोटल पद जो हो गए हैं इस समय इन पर 24,224 हो गए हैं। इनका कैसे जिलेवार और संभाग वाइज विभाजन किया गया है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात की जाए मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2000 के द्वारा नवीन पद 5,204 स्वीकृत होने से प्रदेश में पटवारियों के कुल स्वीकृत पदों का बंटन जो किया गया है, कुल स्वीकृत पद 24,224 को किस प्रकार बांटा गया है वो हम देख लेते हैं जिलेवाइज। सबसे पहले बात की जाए चंबल संभाग की, चंबल संभाग की बात की जाए तो शिवपुर, भिंड, मुरैना, ये तीन यहाँ पे शिवपुर, भिंड, मुरैना चंबल संभाग में आते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं 236 आपकी 236 टोटल पद स्वीकृत होने के, टोटल टोटल जो पटवारी के पद हो गए हैं वो आपके यहाँ पे 236 हो गए हैं। भिंड की बात की जाए तो यहाँ पे 481 टोटल पद यहाँ पे हो गए हैं। वहीं मुरैना में जो हो गए हैं वो आपके 506 टोटल पद हो गए हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, यहाँ पे ग्वालियर में 300, शिवपुरी 627, गुना 446, दतिया 306, अशोकनगर 350 और हो गए हैं। वहीं उज्जैन, उज्जैन संभाग की बात की जाए तो उज्जैन संभाग में, उज्जैन में यहाँ पे जो टोटल पद हो गए हैं वो आपके 648 यहाँ पे हो गए हैं। नीमच की बात की जाए तो यहाँ पे 266 यहाँ पे हो गए हैं। रतलाम में 452 है, मंदसौर में 471, शाजापुर 345, आगर मालवा 242 और देवास में यहाँ पे 538 पद टोटल यहाँ पे हो गए हैं। वहीं इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 394 पद यहाँ पे हो गए हैं। बुरहानपुर 181, बड़वानी 439, खरगोन में 623 टोटल पटवारी के पद यहाँ पे हो गए हैं 5,204 जुड़ने के बाद यहाँ पे। धार की बात की जाए तो धार में यहाँ पे 794 टोटल पद यहाँ पे पटवारी के स्वीकृत बंटन करने के बाद आपके हो गए हैं। वहीं अलीराजपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 299, खंडवा में 444। वहीं भोपाल संभाग की बात की जाए तो भोपाल में, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, तो यहाँ पे बात की जाए तो भोपाल में 243 टोटल पद हो गए हैं। वहीं राजगढ़ में 655 यहाँ पे सृजित किए गए हैं, 655 हो गए हैं टोटल सृजित करने, टोटल वैकेंसी टोटल पद। विदिशा की बात की जाए तो विदिशा में यहाँ पे 602 टोटल पद हो गए हैं। वहीं रायसेन की बात की जाए तो रायसेन में 500
25 हो गए हैं सीहोर में 522, नर्मदापुरम संभाग की बात की जाए तो होशंगाबाद में 443 हो गए हैं, हरदा में 222 हो गए हैं, बैतूल में 587 हो गए हैं। वहीं सागर संभाग की बात की जाए तो दमोह, सागर, पन्ना, छतरपुर, निमाड़ी, टीकमगढ़ सागर में 798 पद यहाँ पे हो गए हैं। दमोह की बात की जाए तो यहाँ पे 482 है, निमाड़ी 149 है और टीकमगढ़ में 348 टोटल पद यहाँ पे हो गए हैं। वहीं जबलपुर संभाग में बात की जाए, जबलपुर संभाग में जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में यहाँ जो मैक्सिमम है यहाँ पे 833 यहाँ पे टोटल पद हो गए हैं। वहीं जबलपुर में 577, बालाघाट 714, नरसिंहपुर 465, कटनी 428, मंडला 502 और सिवनी 661 यहाँ पे टोटल पद हो गए हैं। वहीं रीवा संभाग की बात की जाए, डिंडौरी में यहाँ पे 371 हो गए हैं। वहीं रीवा संभाग की बात की जाए तो रीवा में इस समय जो टोटल पद 24,222 में से जो रीवा जिले में है वो आपके 867 यहाँ पे हो गए हैं। वहीं सतना में 731, सिंगरौली में 327 हो गए हैं और सीधी में 415 हो गए हैं। शहडोल शहडोल की बात की जाए तो उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, यहाँ पे उमरिया में आपके 249, शहडोल 411, अनूपपुर यहाँ पे 299, इस तरह टोटल जो पद हैं 24,224, उनको इस तरह से यहाँ पे जिलेवार बांटा गया है। भाई मैक्सिमम मैक्सिमम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पद कहाँ पे हैं, तो सबसे ज्यादा पदों की बात की जाए तो इस समय सबसे ज्यादा पद जो है वो आपके रीवा में यहाँ पे सबसे ज्यादा पद सृजित हैं, 867, 867 यहाँ पे। इसके अलावा छिंदवाड़ा भी देख लेते, छिंदवाड़ा में भी 800, इसके बाद छिंदवाड़ा आपका 833 सेकेंड नंबर पर, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा पद यहाँ पे सृजित हुए हैं। सागर की बात की जाए, टोटल सृजित होने के बाद टोटल सबसे ज्यादा पद जो हो गए हैं वो रीवा में हो गए हैं, इसके बाद छिंदवाड़ा, इसके बाद आपका सागर, सागर के बाद धार, धार के बाद आप देखती हैं यहाँ पे उज्जैन में 648 है, धार में आपके 794, सागर में 798 है। शिवपुरी की बात की जाए, शिवपुरी में 627 है, राजगढ़ में भी यहाँ पे ज्यादा है 655, विदिशा में 602 हो गए हैं। तो इस तरह इनका जो पद सृजित हुए हैं उनको बांटने के बाद जो टोटल पद जो हो गए हैं जिले वाइज वो हमने इस वीडियो में देखे। तो ये ऑल अबाउट था आपके जो मध्य प्रदेश पटवारी के नए पद, 5,200 जो पद, 5,000+ जो पद जोड़े गए हैं उनको जोड़ने के बाद जो आपके यहाँ पे टोटल 24,000 समथिंग, 24,224 जो पद हो गए हैं, 5,204 जोड़ने के बाद उनको जिले में किस प्रकार बांटा गया। तो ये ऑल अबाउट था आपका इस पदों के सृजन के बारे में, जो पदों का आपका बंटन किया गया है जिले वार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।